तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? बच्चे से तो मैं अभी बात करती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरी बच्ची के साथ? जबान दी उन्होंने मुझे, वादा किया मुझसे, ऐसे कैसे नहीं आकर रिश्ता डाल दिया? अरे अम्मी, मामा को खुद कहाँ पता था कि बाबा इतनी बड़ी बात कर डालेंगे। रात भर दोनों में इतनी बहस हुई, लेकिन मजाल है कि बाबा अपनी बात से टस से मस हुए हो। मैं बता रही हूँ अम्मी, मुझे ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से कोई हल निकाले, अगर मरियम को पता चल गया तो पूरा आसमान सर पे उठा लेगी। नहीं नहीं बेटा, मरियम को कुछ नहीं बताना, तू जानती है ना वो कितनी जनूनी है। मैं अभी आती हूँ, आकर बच्चों से बात करती हूँ। कुछ भी करके हमें ये नेहा वाला मामला जल्द खत्म करना होगा। उमर की शादी होगी तो सिर्फ मेरी मरियम के साथ। बिल्कुल। मरियम बेटा, तुम कब आई? जब आप और मायला नेहा के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे आप लोग? उमर और नेहा क्या? प्लीज अम्मी मुझे बताएं। भाई साहब ने उमर के लिए नेहा का हाथ मांगा है। क्या, ये कैसे हो सकता है? उमर का रिश्ता तो वो लोग मेरे लिए लेकर आने वाले थे ना। हाँ भी तो कहती है कि खाला ने आपको जबान दे रखी है, तो फिर खालू इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? बताए ना मुझे। बेटा तुम परेशान मत हो, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाना चाहिए अम्मी, मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगी। उमर मेरा है, वो मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात आपको खाला खालू को समझानी होगी, समझ रही है ना आप? मरियम, मरियम। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.